बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम शहज़ाद लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद लियाकत टीवी। दोस्तों दुबई से एक अच्छी खबर है, यूएई गवर्नमेंट ने 5 अगस्त से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त से पाकिस्तानी दुबई के लिए सफ़र कर सकते हैं जो पहले पाबंदी थी। टोटल 6 ममालक का उन्होंने ऐलान किया है जिन पर पाबंदी थी, और 6 ममालक में फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान किया है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान के वो लोग जो विज़िट वीज़ा रखते हैं वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जिनके पास रेजिडेंस वीज़ा है वो लोग दुबई के लिए सफ़र कर सकते हैं। 5 अगस्त से फ़्लाइट शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इसमें फ़्लाइट जो कंपनीज हैं, मतलब PIA, एयर ब्लू वगैरह, उन्होंने अभी तक ये फ़्लाइट नहीं ओपन की, मतलब ऑनलाइन नहीं शो की अभी तक, मगर वो कुछ देर आज रात या सुबह तक मतलब वो कर देंगे। और गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है। इसमें कुछ शराइत हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं दोनों डोज़ वो सफ़र कर सकते हैं सिर्फ, और जिन्होंने अभी तक नई वैक्सीन लगवाई वो सफ़र नहीं कर सकते। पहले उनको अपना वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करना पड़ेगा, दोनों डोज़ लगवानी पड़ेगी, और उसके बाद 14 दिन तक मतलब वो पाकिस्तान में स्टे करना पड़ेगा। वैक्सीन लगवाने के बाद 14 दिन पाकिस्तान में स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी टिकट करवा के जा सकते हैं। सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिन्हों का विज़िट वीज़ा नहीं है, रेजिडेंस वीज़ा है, अकामा होल्डर हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, सोचा दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स इस चैनल से मुहैया करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।